राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही अपनी जांच शुरू कर सकती है और इस मामले में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य श्री रमेन डेका जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो पत्रकार राजदेव रंजन का हत्याकांड का मामला था उसके बारे में आप सीबीआई जांच को लेकर क्या मांग करेंगे? पत्रकार रंजन का जो डेथ हुआ था और ये मिस्टेरियस सर्कमस्टेंसेस में हुआ था, उसका जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए बुलाया है वो जल्दी करना चाहिए और जो दोषी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सर, अगर बिहार की हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में कानून और व्यवस्था किस तरह की है और आपका क्या मानना है? बिहार में आज जो कानून का स्थिति है और वहाँ का जो स्थिति है, इस स्थिति से पता लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आया है और नीतीश जी इस मामले में पूरा फेल है। इसलिए वहाँ लोगों का कहना है कि इस सरकार को जाना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। सर, आपका क्या मानना है कि जो बिहार की कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह बिगड़ चुकी है और यही वजह है कि अब वहाँ पे एक विकल्प बचता है, राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लागू करना चाहिए वहाँ पे? वही विकल्प है, क्योंकि अभी तक जो हम देखा है वहाँ सही तरह से कोई भी काम नहीं हो रहा है और जो स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति है और जो समाज का दूसरे वर्गों का भी स्थिति है, वो स्थिति देखते हुए राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। सर, आने वाले संसद के सत्र में क्या आप ये मामला उठाएंगे बिहार को लेकर और खासकर जो ये पत्रकार राजदेव रंजन का हत्याकांड का मामला था, क्या इसको पार्लियामेंट में आप भी उठाएंगे? नहीं, पार्लियामेंट में तो उठाएगा, हम लोग ये बात सही जगह पहुँचा देंगे। बिल्कुल, सांसद रमेन डेका जी का मानना है कि बिहार में कानून जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है और यही वजह है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरामैन परवेज खान के साथ मनीष शुक्ला, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।